इवनिंग स्नैक्स रेसिपी बनाने जा रही हूँ। हाँ जी, तो समोसा रोल के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बॉयल किए हुए आलू। तो मैंने पहले ही आलू बॉयल करके रख लिया था। यहाँ मैंने डाले प्याज के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक कद्दूकस किया हुआ, और उसके साथ इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालें और बॉयल किए हुए जो आलू हमने काट के रखे थे वो भी डाल देंगे। मैं आलू फ्राई करते करते ही मैश कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और अब इसे फ्राई करते करते मैंने मैश करके अलग रख लिया है। उसके साथ ही मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा। अब मैं यहाँ पे मिलाने वाली हूँ अजवाइन। अजवाइन मिलाने के बाद थोड़ा सा नमक थोड़ा सा डालना है ताकि ऊपर के लेयर में भी नमक का टेस्ट आए। 1/2 चम्मच घी। अब इसका फटाफट से एक डो बना लेंगे। और यहाँ देखिए डो बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसका 2 पार्ट कर लेंगे। जैसे आपने ज़्यादा मैदा लगाया तो आप उस हिसाब से पार्ट कर लीजिए। यहाँ मैंने ज़्यादा मैदा नहीं लगाया था तो मेरे 2 ही लोई निकले। अब रोटी के शेप में लोई को अच्छी तरीके से बेल लेना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। और अब जो इसके साइड्स है ना, मैं इस तरीके से कट कर लूंगी, फिर लंबा बेल लेंगे, सॉरी काट लेंगे। और उसके बाद एक पार्ट को लेके कुछ इस तरीके से बेल लेंगे। और जो हमने आलू का मसाला फ्राई करके रखा था ना बना के, उसे इस तरीके से डाल देंगे और एक इक्वल शेप देना है और आराम आराम से फोल्ड करना है। और यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो सिंपल भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं इस तरीके से कर रही हूँ ना कि साइड्स जो आलू के मिक्सचर है ना वो बाहर ना निकल पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आलू के जो मिक्सचर है वो बाहर मतलब साइड से निकल जाते हैं और वो तेल में फैल जाते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही रख दिया था। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो हीट मैंने मीडियम करके सारा समोसा रोल डाल दिया। हीट मीडियम ही रखना है क्योंकि अंदर तक पकने देना है। यदि हीट तेज रहेगा तो अंदर तक नहीं पकेगा। और यहाँ पे हमारे समोसा रोल रेडी है। खाना चाहूंगी। ये देखिए काफी अच्छा बना है।